स्टॉक प्राइसेस एक्सीडेंटली नहीं बढ़ते हैं। एक स्टॉक को ऊपर चढ़ने के लिए बहुत सारे बाइंग डिमांड की जरूरत होती है और ये डिमांड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से आती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ओवरऑल मार्केट की लगभग 75% बाइंग डिमांड जनरेट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स मार्केट के बिग प्लेयर्स होते हैं। उनके बाइंग एंड सेलिंग किसी स्टॉक को बहुत ऊपर या नीचे लेके जा सकती है। अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेटिंग या बाय डिमांड एक पर्टिकुलर स्टॉक के पास्ट 13 वीक्स में इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग का रिलेटिव डिग्री ट्रैक करती है। ये दिखाता है कि पैसे किस तरफ चल रहे हैं। ये एक टेक्निकल रेटिंग है बेस्ड ऑन प्राइस एंड वॉल्यूम स्टैटिस्टिक्स। बाय डिमांड रेटिंग ये आइडेंटिफाई करती है कि बिग इन्वेस्टर्स स्टॉक को बाय कर रहे हैं या सेल। ए और बी रेटिंग इंडिकेट करते हैं कि स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। सी एक न्यूट्रल रेटिंग है और डी और ई डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग को इंडिकेट करते हैं। वन जीरो मार्केट्स में वैल्यूएशन पेज आपको चार्ट के ऊपर बाय डिमांड रेटिंग नोटिस होगा। एज अ ग्रोथ इन्वेस्टर आपको उन स्टॉक्स पे फोकस करना है जो ए या बी रेटेड हो। सी रेटिंग वाले स्टॉक्स को केयरफुली स्टडी करना चाहिए और एनीथिंग दैट इज रेटेड डी या ई अवॉइड करना चाहिए। आप अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेटिंग को समरी सेक्शन में भी देख सकते हो। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है, क्या कोई ऐसी जगह है जहां हम वो सब स्टॉक्स देख सकते हैं जो करेंटली ह्यूज अक्यूमुलेशन दिखा रहे हैं? जवाब है हाँ। आप आइडियलिस्ट पेज विजिट कर सकते हैं और मार्केट स्मिथ स्टॉक स्क्रीन सेक्शन के नीचे अब ऑन वॉल्यूम लिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ये लिस्ट उन स्टॉक्स को फीचर करती है जो अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहे हैं। अ स्पेशल स्क्रीन इज यूज्ड टू एलिमिनेट द इललिक्विड स्टॉक्स। एक और तरीका है जिससे आप हायर बायर डिमांड वाले स्टॉक्स फाइंड कर सकते हैं, वो है हमारा फिल्टर ऑप्शन। आप बिल्ड योर स्क्रीन सेक्शन के नीचे फिल्टर इंडिया स्टॉक्स पे क्लिक कीजिए। आप फिल्टर पे क्लिक कर सकते हैं और मार्केट स्मिथ रेटिंग्स के नीचे बायर डिमांड फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। आप इस टूल का यूज करके वेरियस डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ स्कैन्स भी यूज कर सकते हैं।